आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का संयोजन करना सिखाएंगे और वैद्युतिक परिपथ में ईएलसीबी कैसे कार्य करती है। ये अपने पास ईएलसीबी है, ठीक है, ये ईएलसीबी का ही कार्य करेगी। एक अपने पास डिजिटल मीटर युक्त ईएलसीबी है, ये एमसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी का तीनों का क्या करती है, काम करती है। और ये मीटर लगा हुआ है, इसमें लीकेज करंट का मान और सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है वो मान दर्शाती है, ठीक है। मीटर लगा हुआ है, डिजिटल वोल्ट मीटर एमीटर इसमें कनेक्ट है। अब ये जो सिंगल फेज की ईएलसीबी है, इसके अंदर ये तो है इनपुट और ये है आउटपुट। इनपुट से अपन मान लो कि 0.5 एम्पियर धारा दे रहे हैं किसी लोड को, आउटपुट में फेज के माध्यम से न्यूट्रल की ओर वापस सर्किट में जाती है धारा। अगर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा इस सर्किट में वापस रिवाइज नहीं होती तो ये ईएलसीबी सर्किट को क्या कर देगी, ऑफ कर देगी। कितनी, 30 मिली एम्पियर से अधिक अगर लीकेज करंट हो रहा है तो ये ट्रिप होगी। अगर 30 से कम है, कुछ मान तो लीकेज हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो कोई नुकसान भी नहीं करता है, अगर 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट लीकेज हो रहा है तो वो नुकसानदायक है, उसमें विद्युत का लॉस भी ज्यादा होगा और किसी को झटका भी लग सकता है। बाकी 30 मिली एम्पियर से अधिक होते ही ये एलसीबी क्या हो जाती है, सर्किट को ऑफ कर देती है, ट्रिप हो जाती है, ठीक है। अब अपन करते हैं डिजिटल से। डिजिटल के अंदर ये ईएलसीबी का भी कार्य करेगी और एमसीबी का भी। ईएलसीबी का मतलब क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर किसी अर्थ के अंदर करंट लीकेज हो रहा है सर्किट का तो ये सर्किट को ऑफ कर दे, ठीक है। एमसीबी का क्या मतलब है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कभी कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है परिपथ, उस समय क्या कर देता है, सर्किट को ये ऑफ कर देते, ठीक है। ऊपर की तरफ तो ये ऑन स्थिति में रहती है, नीचे की तरफ ऑफ स्थिति में रहती है, ठीक है। एक होता है आरसीसीबी, इसका मतलब क्या होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अगर कोई करंट लीकेज हो रहा है तो उसमें काम करेगी। एक तो अर्थ से किसी अर्थ से कनेक्ट हो जाता है, एक या किसी भी कोई नरम दीवार हो, गीली दीवार हो या कोई भी धात्विक किसी भी आवरण युक्त कोई बॉडी को टच करती हो उसमें क्या है, प्रोटेक्शन देती। तो इसमें ये तो है ईएलसीबी, ये है मीटर। मीटर में है दो स्विच, एक तो बाईपास निकालती है। अगर आप ईएलसीबी इससे कनेक्ट करोगे तो ये वर्किंग की तरफ करना पड़ेगा आपको स्विच को। अगर आपको ईएलसीबी का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, केवल एमसीबी का कार्य करवाना है तो बाईपास कर दे, ठीक है। इसको अपन ईएलसीबी की तरह काम ले सकते हैं और एमसीबी की तरह भी काम में ले सकते हैं। ये होता है इसका सेलेक्टर स्विच, ठीक है। ये दो इनपुट के वायर हैं और ये आउटपुट के। अब इनपुट से अपने इसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे, आउटपुट में अपन ये पैनल पर अपने पास सिंगल फेज मोटर लगी हुई, इसको कनेक्ट करेंगे और इसे चलाएं। और ये मोटर अर्थिंग से भी कनेक्ट है, फेज वायर से थोड़ा अर्थ को इसको कनेक्ट कर देंगे करंट लीकेज करके, इसको ट्रिप करके देखेंगे ये ट्रिप होती है नहीं होती है, लीकेज में काम करती है या नहीं करती। अब पहली बात तो करना है इसका संयोजन। संयोजन में दो इनपुट वायर निकलते हैं, दो आउटपुट। इनपुट में सप्लाई से संयोजित करना है और आउटपुट को लोड से संयोजित करना है। और लोड से संयोजित करने के बाद पेचकस ले आओ, सप्लाई बोर्ड ले आओ इधर। ये तो है ईएलसीबी का इनपुट टर्मिनल, दो वायर हैं, इसमें तो लगाना आपको सप्लाई। ये आउटपुट है, आउटपुट में अपन लगा रहे हैं ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो कि वायर का इंसुलेशन उतर गया और इसकी बॉडी या कोई अर्थिंग को टच कर गया तो करंट लीकेज होगा। करंट लीकेज होगा तो ये ईएलसीबी ट्रिप होनी चाहिए। तो अपने पास ये इंसुलेशन उतरा हुआ है यहाँ, इसको अपन इसको कनेक्ट करके देखेंगे अर्थिंग से,
लीकेज करवाएंगे करंट के मान को और इसको ट्रिप करवाएंगे। अब अपन पहले तो देते हैं इसको इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई में ये अपने पास बोर्ड है, इससे अपने इसको इनपुट सप्लाई दे देते हैं। इनपुट सप्लाई देने के बाद सर्किट को करेंगे ऑन। ये कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें? 240 दिखा रहे ना, इधर दिखाओ। 240 वोल्टेज आ गया। कितना करंट ले रही है? 5.7 एम्पियर। अब इसको मैं ये वर्किंग कंडीशन में करवा देता हूँ ईएलसीबी को। ये वर्किंग कंडीशन में ईएलसीबी कनेक्ट हो गई, यहाँ तो हो रही है एमसीबी। एमसीबी को मैं ट्रिप करूँगा, सप्लाई ऑफ। एमसीबी को ऑन करेंगे, चालू हो गई। ये आ गया वोल्टेज का मान। अब ये करंट का मान भी दिखा देगी, है ना, डिजिटल है। अब इसको करते हैं वर्किंग कंडीशन में, और यहाँ से मैं इसको बॉडी अर्थ करवाता हूँ। हो गई, ये कटा हुआ भाग है। चालू हो गई। अब ये मान लो कि ये वायर का इंसुलेशन उतर गया और ये बॉडी को कहीं टच कर रहा है, अर्थ लीकेज होते ही क्या होगी? ट्रिप होगी। अब मैं इसको कर देता हूँ बाईपास। अब करते हैं ऑन। अब मैं बॉडी को टच करूँगा तो ये ट्रिप नहीं हो रही, क्यों? ये हाई करंट पे ही ये ट्रिप हो गया। अब एनसीबी पर काम कर रही है, आगे समझ में। अपने को इसको रखना है वर्किंग में, ईएलसीबी कनेक्ट रखनी है, तो ये क्या है, लीकेज करंट होते ही ये ट्रिप हो जाए। ठीक है, अब ये करंट आ रहा है इसमें 5.7, ठीक है, 5.7 एम्पियर करंट ले रही है मोटर। अब वर्किंग कंडीशन में है, लीकेज करंट का मान ट्रिप हो गया, बढ़ गई। इस प्रकार आपको ईएलसीबी कनेक्ट करना है परिपथ में। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। थैंक यू, धन्यवाद।